हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बबीता नीरज ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं मतलब यहाँ पे अपना थोड़ा सा हेयर में मतलब और डालने के लिए आई थी, बट ज़्यादा नहीं डालूँगी, हल्का सा डालूँगी, क्योंकि मैं डालती हूँ क्योंकि तभी बाल अच्छे रहते, नहीं तो फिर क्या होगा कि बाल ख़राब ही हो जाएंगे मेरे अगर नहीं डालूँगी। तो ये मॉर्निंग का ही टाइम था, तो मैं मतलब अपने हेयर में थोड़ा सा कॉम कर लेती हूँ और उसके बाद चलते हैं किचन में। तो ये देखिए, और कुछ इस तरीके से कर ले रही हूँ। मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं, छोटी मोटी नहीं बनाऊँगी, बस ऐसे ही मतलब जो बाल थोड़े से ठीक से हो जाए बस ऐसे ही बना के इनका जूड़ा बना लूँगी। तो ये देखिए, और मैं इनमें कॉम कर ली हूँ। और इसके बाद मेरे को अभी बेड शीट भी ठीक करनी है, क्योंकि बेड शीट बच्चों ने थोड़ी सी ख़राब कर दी थी, तो मैं उसको सेट कर दूँगी। और दिन में मेरी दो बार तीन बार बेडशीट बिछी जाती है। तो ये देखिए, मैं मतलब वो कर लूँ। और ये देखिए मेरी बेडशीट का हाल। और मैं इधर आ गई हूँ, तो मैं यहाँ पे मतलब अपनी बेडशीट को ठीक कर दूँगी अभी। तो इसको मैं पहले सबसे पहले हिला लेती हूँ। और पता नहीं कैसा अजीब सा हो रहा गले में बोलने में, आज समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा, अपने आप ही हो रहा है। तो ये देखिए, मैं बेडशीट को अच्छे से बिछा देती हूँ। और मैं ना दबा के बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर खेलें भी तो इतना नहीं निकलता है, और नहीं तो निकलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है इसका। और ये बिछने के बाद ना इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को ये। ये देखिए, और अभी इसका रिव्यू नहीं गया है, मतलब वीडियो तो मैं बना ली बट गया नहीं है, तो किसी दिन मैं शेयर कर दूँगी आप सभी के साथ। तो ये देखिए, बेडशीट मेरी बिछ गई है, और बिछने के बाद आप देखिए कितना। तो ये देखिए, मैं इधर से भी इसको दबा दे रही हूँ, क्योंकि ना मैं इधर से भी निकलने का वो रहता है, अभी इधर से दबा देती हूँ तो फिर वो निकलती नहीं है। और मैं इसको अच्छे से खींच के एकदम सेट कर दूँगी। तो ये देखिए, और थोड़ा ना मैं वीडियो को फास्ट कर दूँ। गोलू क्या कर रहे हो? लगता है वो कुर्सी खींचने लगा है, तो उसकी आवाज़ आ रही है। बच्चे और कुछ भी लेके चल देते हैं। तो चलिए, मेरी बेडशीट ठीक हो गई है, और अभी मैं किचन में चलती हूँ। और ये देखिए, मैं क्या बनाने वाली हूँ आप सबको बताती हूँ। तो ये देखिए, मैं दो प्याज ली हूँ, एक शिमला मिर्ची ली हूँ, थोड़ी सी अदरक, और एक आलू, और एक छोटा सा फूल गोभी का है, तो आप लोग देख सकते हो। तो बट ये थोड़ा सा वैसा हो रखा है, मैं इसको सारा साफ़ करके और इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो चलिए कद्दूकस कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा होगा। तो ये मैं ली हूँ, और थोड़ा सा लहसुन और अदरक, और लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाऊँगी। तो ये देखिए, मैं इसको कद्दूकस कर ली हूँ, और यहाँ पे हरी मिर्च और लहसुन का मैं मतलब पेस्ट बना लूँ अदरक का। तो चलिए, मैं इसको पहले फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले इसमें घी ऐड की हूँ। तो ये देखिए, आप चाहे घी में बना सकते हो, ऑयल में बना सकते हो, रिफाइंड में, तो किसी में इसको फ्राई कर लें। सबसे पहले हींग और जीरा डाली हूँ मैं, और थोड़ा सा ना आज फ़ोन हिल रहा होगा, क्योंकि ना मैं एक हाथ से पकड़ी थी और एक हाथ से मैं मतलब सूट कर रही थी, क्योंकि बाबू की क्लास आती है, तो मेरा ट्रेपोट उधर था, तो इसलिए मेरे को कोई नहीं, चलो मैं हैंड से पकड़ के बनाती हूँ। और इसको मैं ये डालती हूँ जो मैंने कद्दूकस करके रखा था। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से हो गया है, जब मतलब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, और इसके बाद इसमें मसाले ऐड करने हैं। और ये मतलब पराठे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे, जैसे मतलब वो नहीं होता वेज रोल, तो उस तरीके से बहुत ही ज़्यादा, वेज रोल नहीं मतलब, तो शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसका नाम, कुछ और बोलते हैं, बट मैं उसको खाई भी हूँ पर अब नाम मेरे से उतर रहा। तो ये इसको मैं अच्छे से मसाले ऐड करके, जो भी आपको मनपसंद है अपने ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ी देर ढक दी हूँ, जैसे कि मैं शिमला मिर्च थोड़ी सी बड़ी बड़ी कट की हूँ, तो आप थोड़ा कद्दूकस थोड़ा होने में उसको दिक्कत हो रही थी, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कट करके छोटा छोटा डाल दी हूँ। तो ये देखिए, मेरी पिट्ठी मतलब पिट्ठी बोल लीजिए या फिर कुछ भी बोल लीजिए, तो ये बन के रेडी है मेरा। तो इसके बाद चलिए मैं पराठा बनाती हूँ। ये देखिए, बस ये फटेगा नहीं, थोड़ा सा क्या होगा ना कि ये शिमला मिर्च थोड़ा सा मैं ऐसे करके डाली हूँ ना, थोड़ा सा ये दिखाई देगा बट फटेगा नहीं। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैं इसको बनाई हूँ। और इसके बाद मैं इसको पलटती हूँ, पलटने के बाद इस पर मैं घी लगा दूँगी। ये देखिए, तो आप इस तरीके से ये पराठे बना सकते हो, वेजिटेबल पराठे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, अगर वेट लॉस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, तो आप लोग इनको बना सकते हो।
अगर जब कोई वेट लॉस करे, क्योंकि इसमें वेजिटेबल होती हैं मतलब, और वैसे भी मतलब बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी और हेल्दी होता है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो ये देखिए, और ऐसा लग रहा है ऐसे पिज्ज़ा, बट क्योंकि शिमला मिर्च कुछ इस तरीके से ना जैसे पिज्ज़े के जैसा इसका लुक आ रहा, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो चलिए, मैं पराठे बन गए थे, और पराठे बनाने के बाद मतलब बाद क्या काफ़ी देर शाम को, तो थोड़े बहुत कपड़े थे ऊपर से मैं लेने के लिए आ गई थी, तो मैं कपड़े ले जाऊँगी फ़िलहाल। ये देखिए, तो कपड़े मेरे यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो चलिए मैं ले जाती हूँ कपड़े फटाफट। ये देखिए, गोलू मेरे पीछे घूम रहा है, और इस शर्ट को मैं ऐसे देख रही थी। इसमें क्या हुआ था ना कि जैसा मतलब खाना खा रहे थे, और कोई सा बच्चा आ गया, तो बच्चा आ गया था वो उनके शर्ट पर थोड़ी सी चींटे चली गई थी मतलब सब्जी की, और सब्जी की चींटे चले तो वो पीली पीली सी हो जाती है, बट हो जाती है बट उसका कलर उड़ जाता है धूप से। तो मैं उसी को चेक कर रही थी गया कि नहीं, बट चली चला गया था, तो इसीलिए चेक करके मिलेगा। ये देखिए मौसम कैसा हो रखा है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं नीचे। नीचे आने के बाद मेरे को मलाई वलाई निकालनी है, क्योंकि ये मेरा रोज़ का ही काम होता है दूध में से मलाई निकालना। तो ये देखिए, मैं मलाई निकाल दूँगी, मैं ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं निकालती, मतलब थोड़ा बहुत ही निकालती हूँ, क्योंकि दूध फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, और जो बाकी का दूध है मैं मतलब डोलची में कर देती हूँ, और कुछ मैं अभी गर्म कर दूँगी, तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और मलाई को भी फ्रिज में रख दूँगी। और थोड़ा बहुत वो हो जाता है ना, तो मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि ना मेरे को वो अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे किचन बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा बहुत इस पर कपड़ा मार दूँगी अभी। ये देखिए, और एकदम अच्छे से पोंछ दूँगी, मतलब सुबह के मॉर्निंग में तो मैं इसको धो देती हूँ, तो मैं दोनों टाइम नहीं धोती हूँ, क्योंकि फिर ख़राब हो जाता है चूल्हा, इसलिए क्योंकि मेरा एक ख़राब हो चुका, तो मैं एक ही टाइम मतलब धोती हूँ। सुबह को धोऊँगी, अगर सुबह को धोऊँगी तो शाम को धोऊँगी, तो एक ही टाइम मेरे को चूल्हा मतलब मांजती हूँ। मांजना और पूछना, तो कितनी बार पूछ जाता, पूछने की अलग बात है, बट ज़्यादा नहीं धोती हूँ मैं अपने को, क्योंकि फिर उसमें पानी वानी चला जाता है तो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं धोती हूँ ज़्यादा। तो उसमें मैं थोड़ी सी मतलब चीनी डाल दूँगी दूध में, तो चीनी मैं डाल दूँगी, और थोड़े से बर्तन है तो हाथों हाथ में ये भी साफ़ कर देती हूँ। ये देखिए, बर्तन साफ़ कर दूँ फटाफट, और तवे को ना मैं गिट्टी से, हमेशा गिट्टी से घिसती हूँ, क्योंकि ना अगर गिट्टी से ना घिसो ना मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, और मेरा एकदम तवा जब तक उस पर साफ साफ ना दिखने लगे तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती, और गिट्टी हमेशा गिट्टी से घिस के साफ़ करती हूँ मैं। और कभी जैसे गिट्टी नहीं होती तो फिर लोहे के चूना से अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ, बट गिट्टी तो मिल जाती है ऐसा कुछ नहीं, जैसे मतलब ईंट होती है, ईंट की गिट्टी, जैसे पक्की वाली ईंट आती है तो उसकी गिट्टी बन जाती है, और बहुत अच्छे से उससे तवा साफ़ होता है, तो मैं उसी से साफ़ कर देती हूँ। और क्योंकि ना अच्छा लगता है मेरे को उसी से घिसना, इसलिए। और दूध को मैं मतलब इसमें मग में करके रख दी हूँ बॉयल, थोड़ा सा मतलब जैसे बच्चे बच्चे पियेंगे तो मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि गरम 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 ज़्यादा नहीं पिया जाता बच्चों से, तो इसीलिए मैं इसको ढक के रख दी हूँ। और अपने लिए मैं पानी ले लूँ, मोटर को बंद कर दी हूँ, तो मैं अभी पानी पीऊँगी, और मोटर बंद की, बंद नहीं की, चालू की, क्योंकि पानी भरना है मुझे, मुझे लगा मैं बंद की हूँ, कई बार याद नहीं रहता हमें वॉइस ओवर करते समय, तो मैं मतलब अभी पानी भर लूँ पहले। ये देखिए, और इसके बाद मतलब इसको भी भर के रख दूँगी मैं। तो चलिए मिलते हैं, और अपने ब्लॉग का भी एंड करेंगे। तो गैस काम वाम करके मैं आपसे अब मिल रही हूँ, और शाम का बज गया 6, और मैं ना मतलब जैसे ही काम में जुट गई थी मतलब काम वगैरह करके, और अच्छे से भी नहीं किया था, ऐसे ही कह लिया था, क्योंकि आज कोई भी लोग स्टार्ट ही नहीं किया था। तो शाम का सब 6 बज गया है, तो यहाँ की लाइट तो मैंने जला दी है, तो बाहर की लाइट जला देती हूँ, क्योंकि ना दिन छिपने वाला है, तो लाइट जला देती हूँ। तो लाइट में जला दी हूँ, और थोड़ी देर बैठ के आपसे बात करती हूँ।
तो मैं इधर बैठ गई हूँ, बाहर थोड़े से खुले में अच्छा लगता है। अब वैसे तो अब आजकल मौसम अच्छा होने लगा, नहीं तो फिर बीच से मैं तो गर्मी होने लगी थी, बट अब थोड़ा सा बारिश भी कम सी हो गई है और मौसम भी अच्छा होने लगा। खेल रहे हैं, हेलो कर दो, हेलो करो गोलू, हेलो करो बाबू, हेलो करो। तो ये शॉर्ट्स से खेलने लग रहे हैं, तो कैसे गाइस आप सब लोग बताइएगा। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और आज ना मैंने कानों में कुछ भी नहीं पहना, कुछ भी नहीं, मतलब सुबह से ऐसे ही मतलब थोड़ा सा आराम करने लगी और कुछ तो भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं पहनने भूली, क्योंकि मेरा क्या है ना, मेरा क्या है ना, मतलब बच्चे सो रहे जाए, मेरा क्या ना कि मतलब रात को ना जैसे मैं जब सोती हूँ तो निकाल देती हूँ, तो फिर मेरे को सुबह पहनना ही पड़ता है, तो आज मैं पहनी नहीं सुबह से, तो फिर मैं पहनी ही नहीं, और आज मैं तो वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि मतलब नहीं मन करता है, और मेरा तो ऐसा ही है, तो चलिए अंदर ही चलती हूँ। और ये टॉवल है, और एक यहाँ पर ये रोटी वाला थाल पोस मैंने ये बस ऐसे ही डाल दिया था, तो ये भी अंदर ले लेते हैं। आ जाओ गोलू, बोलो उधर खेल रहा वो कह रहा भाई साहब आ जाते हो, मेरे को फिर भी पसीना पसीना आ रहा है, तो चलिए मैं इसको रख देती हूँ उधर, और टॉवल को उधर टांग दूँगी मैं। तो किचन में सारे क्लीन कर दी है, बर्तन बर्तन करके तब तो आप लोगों से बात करने के लिए लगी थी, तो चलिए रख देती हूँ मैं इसको। तो मैं आ गई हूँ अंदर, और बच्चे चले गए बाहर, बच्चे ना बहुत ज़्यादा निशाता नहीं मचाते रहते। और ये वाली बेडशीट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है बिछने के बाद, और ये मैं बिछा दी थी थोड़ी देर पहले ही, तो देखते हैं अपने ब्लॉग का कब एंड होता है। और अभी मेरा हस्बैंड जी नहीं आए ऑफिस से, और उनका ही वेट कर रहे हैं अभी, और खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं।